निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। जय डुग्गर, जय डोगरा। जय डुग्गर, जय डोगरा। जय डुग्गर, जय डोगरा। निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। जय डुग्गर, जय डुग्गर। चौधरी लाल सिंह जिंदाबाद। चौधरी लाल सिंह जिंदाबाद। चौधरी लाल सिंह जिंदाबाद। जय डुग्गर, जय डुग्गर। जय डुग्गर, जय डुग्गर। जी जी, सर ये ट्रैक्टर रैली आप सभी को पता है कि हमारे जो डोगरा शेर लीडर हैं, हमारे कठुआ के, हमारे जम्मू के लीडर हैं, उनके साथ बेइंसाफी हो रही है। आज उनको कितने दिन हो गए हैं, आज कभी कल कभी आज ऐसे करके रिहाई का उनका कोई मतलब कि कोई कोशिश नहीं की जा रही है उनकी रिहाई के लिए। और ये आज हमने मतलब ट्रैक्टर मोर्चा कह लो या ट्रैक्टर यूनियन कह लो या ट्रैक्टर वाले का एक समर्थन है जो चौधरी साहब के साथ खड़े होने के लिए सभी उनके समर्थन के लिए आए हैं। और ये खुद लोग अपने मतलब कि अपने आप आए हैं, सब ने अपना अपना योगदान इस रैली में देना है हमने। और हमारी रैली का यही संदेश रहेगा सबको कि सर जल्द से जल्द हमारे जो डोगरा लीडर चौधरी लाल सिंह है उनको रिहाई किया जाए। ये कहाँ कहाँ से रैली निकाली जाएगी? सर ये हमारा रूट रहेगा आउट ऑफ मतलब कि सिटी के बाहर बाहर से होगा, क्योंकि ये व्हीकल बड़े हैं तो हमारा रूट जो बाहर बाहर से रहेगा, कठुआ मतलब शहर के बाहर बाहर ही रहेगा। जहाँ से कालीबड़ी, यहाँ से आप कालीबड़ी कह लो या जहाँ से ड्रीम पार्क रोड कह लो। जी जी जी। 3D की इस तरह की कार्रवाई को आप किस तरह से देखते हैं बड़े सर? ये बेइंसाफी हो रही है, सबको पता है, हम अकेले नहीं है। हमारे से पहले आज तक कठुआ में देखो कितना लोगों ने समर्थन किया है, किसी ने कैंडल मार्च किया है, किसी ने अपना अपने यहाँ पे मतलब रैली वगैरह करके बताई, मोहल्ले मोहल्ले में लोग लाभ कर रहे हैं। तो इट मीन्स कि है तो कुछ गलत ही है, ऐसे तो कोई दुनिया किसी के पीछे आती नहीं है। ये किसी पॉलिटिक्स के लिए कोई बंदा इसमें किसी पार्टी का कोई किसी पार्टी का, लेकिन ये एज ए डोगरा होने के नाते सभी लोग चौधरी साहब के साथ खड़े हैं। सर क्या लगता है डोगरा को, डोगरों की आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जा रहा है ईडी को आगे कर, राजनीतिक पार्टी या किसी का प्रेशर है? जी बिल्कुल, ये तो सामने ही दिख रहा है, क्योंकि जैसा ये बर्ताव हो रहा है बिना मेडिकल के चौधरी साहब को अरेस्ट करना, बिना किसी इन्फॉर्मेशन के उनको धक्केशाही उनसे करनी, तो इट मीन्स ये तो प्रभाव कर रहा है कहीं ना कहीं, तो ये सामने दिख रहा है कि ये पॉलिटिक्स का कोई प्रेशर है, या फिर ये इलेक्शन से पहले पहले चौधरी साहब की आवाज़ को जो दबाना चाहते हैं, जहाँ हमारे डोगरों की आवाज़ को दबाना चाहते हैं, तो ये तो सामने दिख रहा है। ये तो फिल्मी हो गया कि ऐसे फिल्मों में देखा जाता था कि किसी बंदे को बिना किसी बात के उठा लिया जाता था और पीछे से इलेक्शंस वगैरह होती थी, जहाँ ये मतलब पूरा हमें ये हमारी समझ से बाहर है। सर आज सुनवाई भी है, आज फैसला आने वाला है, क्या देखते हैं, रिमांड भी बढ़नी है या बेल भी मिल सकती है, किस तरह से? देखो भगवान से तो हम यही उम्मीद करेंगे कि आज हमारे चौधरी साहब का जैसा भी है बारह नारा होना चाहिए, बिकॉज कि हमें लोगों को बहुत परेशानी है, हमारे दिल को तकलीफ है, हमारे मन में संतुष्टि नहीं है। हमने कोई पीछे त्यौहार गए हैं वो मन से नहीं मनाए, हमने कोई कार्य नहीं मन से किया, कोई काम, आज के युवा जो है सभी परेशान है, क्योंकि आज ये इतने बड़े हमारे अहदेदार MLA MPs और मिनिस्टर रह चुके, एक इंसान पे इतनी बड़ी मुसीबत आ सकती है, तो हम तो कुछ भी नहीं है, हम तो इनके आगे तो कुछ भी नहीं है। जी पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री, डोगरा स्वाभिमान संगठन के अध्यक्ष चौधरी लाल सिंह के समर्थन में आज कठुआ शहर में निकाली जा रही है ट्रैक्टर रैली। देखिए ये रैली जो है ये गुज्जर हॉस्टल से शुरू होते हुए ये ड्रीमलैंड पार्क की तरफ जाएगी और वहाँ से घूमते हुए बाजार से घूमते हुए दोबारे वापस जहाँ आके संपन्न।
इस समय आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं एसटीवी कठुआ न्यूज पार्क। चौधरी लाल सिंह के समर्थन में यह ट्रैक्टर रैली कठुआ में पहली बार लाल सिंह जी के समर्थन में ट्रैक्टर रैली निकाली जा रही है, जिसकी अध्यक्षता मक्खन पाल कर रहे हैं। जय डुक्कर और जय डोगरा के नारे लगाते हुए ये लोग जो है इस समय ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं। पूरे सांसद, पूरे मंत्री और डोगरा समाज मार्च संगठन के अध्यक्ष चौधरी लाल सिंह के समर्थन में